द श्रेष्ठ भारत शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश। इस शो में आप रोज देखेंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित करीब 155 लोगों के नाम शामिल होने की चर्चा है। पीएम मोदी को वाराणसी, अमित शाह को गांधीनगर, राजनाथ सिंह को लखनऊ, स्मृति ईरानी को अमेठी, धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा के संबलपुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर या गुना शिवपुरी, शिवराज सिंह चौहान को भोपाल या विदिशा और संबित पात्रा को ओडिशा के पुरी से टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा भिवानी बल्लभगढ़ से भूपेंद्र यादव, डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल, राजौरी अनंतनाग से रविंद्र रैना, कोटा से ओम बिरला, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी, पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा और आसनसोल से भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। दिल्ली में 29 फरवरी को भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें 17 राज्यों की 155 लोकसभा सीटों पर देर रात 11 बजे से 3:15 बजे तक करीब 4 घंटे तक मंथन हुआ। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी 1 मार्च को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स ने 73,574 का और निफ्टी ने 22,304 का ऑल टाइम हाई बनाया। दोपहर 12:15 बजे सेंसेक्स 1,000 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 73,530 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी में भी 300 अंक की तेजी है, ये 22,290 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में तेजी और 3 में गिरावट देखने को मिल रही है। ऑयल, गैस, बैंकिंग और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। एनएसई के सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी मेटल में सबसे ज्यादा 2.70 की तेजी है, वहीं निफ्टी ऑयल एंड गैस में 1.82 और निफ्टी ऑटो में 1.35, निफ्टी बैंक में 1.70, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.81, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.00 की तेजी है, जबकि निफ्टी मीडिया में 1.03, निफ्टी फार्मा में 0.10 और निफ्टी आईटी में 0.07 की गिरावट है। वित्त वर्ष 2023-24 के अक्टूबर दिसंबर तिमाही में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.4 पर पहुंच गई है। इसका मार्केट सेंटिमेंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। हाल ही में कुछ सर्वे ने आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की जीत की भविष्यवाणी की है। इससे बैंकिंग और पीएसयू शेयरों में उत्साह वापस आ गया है। गुरुवार को अमेरिकी इन्फ्लेशन डेटा जारी करने के बाद वॉल स्ट्रीट पर SP 500 और नेस्डैक रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए। इससे ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। 2024 लोकसभा चुनावों से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की सियासी गुगली से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। अपने गढ़ बरामती की होम पिच पर शरद पवार ने ऐसा दांव चला कि अब सभी की नजरें उनके भतीजे और राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर टिक गई हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है कि चाचा की गुगली को अजीत पवार खेलेंगे या फिर छोड़ देंगे। बारामती में सरकार की तरफ से नमो जॉब फेयर का आयोजन हो रहा है। ये कार्यक्रम 2 और 3 मार्च को है। इस कार्यक्रम का आयोजन विद्या प्रतिष्ठान में होना है। जॉब फेयर में आमंत्रित लोगों की सूची में शरद पवार का नाम शामिल नहीं है, वे इस विद्या प्रतिष्ठान के चेयरमैन हैं। इस सबके बीच पवार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बारामती पहुंच रहे एकनाथ शिंदे के साथ जॉब फेयर के अतिथि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को आमंत्रित उन्होंने कर दिया है। पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फोन पर बात करने के बाद अपने निवास गोविंद बाग में खाने पर बुलाया है। पवार के बुलावे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पहुंचने की उम्मीद तो की ही जा रही है, लेकिन अजीत पवार को लेकर अटकलें लगी हैं कि वो क्या करेंगे। अपने चाचा के घर जाएंगे या फिर गैर हाजिर रखकर दूरी रखेंगे। एक तरफ पवार के इस दांव पर राजनीति गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने नमो जॉब फेयर में
शरद पवार को नहीं बुलाने पर उन पर निशाना साधा है। सुले ने कहा है कि जॉब फेयर के कार्यक्रम में बारामती के सांसद का भी नाम नहीं है, जब राज्यसभा में अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी वंदना चव्हाण का नाम शामिल है। बारामती में नमो जॉब फेयर के आयोजन से पहले राजनीति गर्म है। महाराष्ट्र में INDIA की तीन पार्टियों के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस को 18 और शरद पवार की NCP को 10 सीटें मिली हैं। तीनों पार्टियां महाविकास अघाड़ी अलायंस के तहत महाराष्ट्र में एक साथ हैं। सूत्रों की माने तो रीजनल पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी को शिवसेना उद्धव गुट के हिस्से से 2 सीटें मिलेंगी। महाविकास अघाड़ी अलायंस ने पहले 5 सीटों की मांग की थी। इसके अलावा निर्दलीय राजू शेट्टी को शरद पवार की पार्टी का समर्थन मिलेगा। सीट शेयरिंग को लेकर 1-2 दिन में आधिकारिक घोषणा हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 4 पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें से एक मुंबई नॉर्थ ईस्ट महाविकास अघाड़ी अलायंस को दी जा सकती है। मुंबई की 6 सीटों पर कांग्रेस और उद्धव के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। इस सिलसिले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 22 फरवरी को उद्धव ठाकरे से बातचीत भी की थी। राहुल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच उद्धव को फोन किया और करीब 1 घंटे बात की थी। कांग्रेस मुंबई की 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। इसमें मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल और मुंबई नॉर्थ वेस्ट शामिल हैं। हालांकि उद्धव ने मुंबई की 4 सीट मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल अपने लिए मांगी थी। दोनों पार्टियों के बीच किन किन सीटों पर सहमति बनी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। अविभाजित शिवसेना ने 2019 के चुनावों में 48 में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 18 पर जीत हासिल की, जिसमें मुंबई की 3 सीटें शामिल थी। खबर है कि योगी कैबिनेट का विस्तार रविवार सुबह 11 बजे किया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर, भाजपा नेता दारा सिंह चौहान और रालोद के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसको लेकर CM योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को राजभवन पहुंचे। यहाँ राज्यपाल से मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई है। राज्यपाल को मंत्रियों की लिस्ट भी सौंपी गई। सूत्रों के मुताबिक योगी मंत्रिमंडल में 5 चेहरों को जगह मिल सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले BJP ने ये बड़ा मास्टर प्लान बनाया है, जिसके तहत भाजपा में शामिल हुए सभी सहयोगी दलों को अब संतुष्ट करने के लिए मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। माना जा रहा है कि रविवार को होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में OP राजभर और दारा सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री तो वहीं RLD से एक विधायक को राज्य मंत्री बनाया जाएगा। इसके साथ ही और चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। दरअसल सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पिछले साल जुलाई महीने में सपा छोड़कर NDA में शामिल हुए थे। इसके बाद से वे मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। खुद कई बार मंत्रिमंडल विस्तार की डेट और समय का ऐलान कर चुके हैं। अब 7 महीने के इंतजार के बाद गुरुवार को उन्होंने इसको लेकर नाराजगी जताई है। इशारों में ही BJP को अल्टीमेटम भी दे दिया। राजभर ने कहा है कि अगर राजपाट नहीं मिला तो होली नहीं मनाऊंगा। इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने कहा था, जो बोलता हूँ सीना ठोक कर बोलता हूँ, जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा उस दिन मंत्री बनूंगा, जब तक मंत्री नहीं बन जाएंगे तब तक अधिसूचना जारी नहीं होने देंगे। दशरेश भारत शो में ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत और इस तरह की खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।